हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की, और नए साल पे अगर आप शुरुआत से ही अगर अग्रिम रूप धारण करके बिजनेस करते हैं, एडवांस इस सिस्टम को लेकर बिजनेस करते हैं, तो आखिर तक जाएंगे ना, तब तक जब साल खत्म होगा ना, उस समय तक हर इंसान के पास अच्छी अचीवमेंट्स आ सकती हैं। और एकमात्र ऐसी कंपनी है इंडिया में जो शुरुआत में आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेकर आई, आयुर्वेदिक मेडिसिन फ्रॉड स्कैम्स ऐसे चल रहे हैं, उन चीजों से हमें बचना है और लोगों को भी बचाना है। फ्रॉड बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, क्योंकि हर क्या है, हिंदुस्तानी जनता है, यहाँ पे 125 करोड़ से ज्यादा 150 करोड़ की पॉपुलेशन हो गई है, यहाँ पे मिट्टी लेके आ जाते हो तो भी बिकता है, कचरा लेके आ जाते हो तो भी बिकता है, हर प्रकार के लोग हैं, समझ रहे बात को, ट्रायल में भी कोई चीज चल जाती है, कोई मूवी रिलीज होती है ना, वो 150 करोड़ का बिजनेस तो वैसे ही कर जाते हैं, क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ एक बार वन टाइम देखने के लिए भी तो लोग जाएंगे, और इतने पर्दे हैं ऑल ओवर इंडिया में, तो एक बार भी चले गए तो बहुत सा टर्नओवर हो जाता है। तो कहने का मतलब मार्केट में बहुत सी कंपनियां आ रखी हैं, उनसे हमें बचना है अपने आप को, और हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिकेटेड प्रोडक्ट हैं। मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं, तो सप्लीमेंट पे काम कर रही है या फार्मेसी पे काम कर रही है, बट हमारे पास क्या है, दोनों ऑप्शंस हैं, हमारे पास मेडिकेटेड प्रोडक्ट है, यानी हम बीमार लोगों को ठीक भी कर सकते हैं और लोगों को बीमार होने से भी बचा सकते हैं। और कंपनी का जो टारगेट्स है, जो स्वदेशी अपनाए देश बचाए, जो हमारा मिशन है, वो वास्तविकता में काबिल-ए-तारीफ मिशन है, आयुर्वेद अपनाए निरोग जीवन पाए। तो हमें हमारा मेन मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या देना है, रोजगार देना है। और यहाँ पे आने के बाद एक आम आदमी क्या होती है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है कि हम फील्ड से किस बंदे को लेके आते हैं ना, उसका जल्दी से माइंड डाइवर्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसकी एक वजह है कि वो शुरुआत में जो उसने एजुकेशन पाई है ना, वो सिर्फ नौकरी ही पाई, उसके दिमाग में एक चीज सेट हो गई नौकरी, बस इतनी चीज जानता हूं मुझे नौकरी चाहिए, समझ रहे बात को, वो नौकरी क्या है, नौकरी अपने आप में कंफर्ट जोन है, नौकरी क्या है, कंफर्ट जोन है, अपने आप को बचाने का एक कंफर्ट जोन है, कि मेरे 5-7-10-12,000-15,000 जैसी खर्च होती है, वैसा ही वो कंफर्ट जोन ढूंढता है, समझ बात को, किसी को 10,000 का कंफर्ट जोन चाहिए, किसी को 20,000 का कंफर्ट जोन चाहिए, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कंफर्ट जोन नहीं देती है, ये पीढ़ियों तक का बंदोबस्त करके चली जाती है, पीढ़ियों तक का, आपको ही नहीं, आपके बच्चों का, आपके बच्चों के बच्चों तक का भी बंदोबस्त आप खुद मात्र 10 साल में कर सकते हो, ज्यादा नहीं, आपने 10 साल भी अगर नेटवर्क इंडस्ट्री को तरीके से किसी सही इंडस्ट्री कंपनी को आपने दे दी ना, तो अगली कई पीढ़ियों तक आप बंदोबस्त कर सकते हो। तो लोगों को हमें कंफर्ट जोन से निकालने में टाइम लगता है, क्या लगता है, कंफर्ट जोन में निकालने में टाइम लगता है, लेकिन जो एक बार टिक जाता है ना, यहाँ पे 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, वो 100% कामयाब हो जाता है। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, आए 2 महीने काम किए, फिर कोई दूसरा बंदा आ रहा है, वो समझाने लग गया तीसरी कंपनी के बारे में, 2-4 महीने, फिर 2-4 महीने तीसरी कंपनी में चले जाते हैं, 2-4 महीने तीसरी कंपनी में चले जाते हैं, और दुनिया की सारी कंपनी में अपना नाम दर्ज करवा के आ जाते हैं, और बोलते हैं मैंने सारी कंपनी की, क्या की है, सारी कंपनी करी, वो कंपनी करना नहीं होता, किसी भी कंपनी को एक साथ लगातार लंबा टाइम देना, तब जाके जब तक हम सीखते हैं, जब तक हमारा नेटवर्क बनता है, तब तक हम छोड़ के कहीं बाहर चले गए तो क्या फायदा होगा। तो मन लगा के एक ही जगह पे अगर काम करोगे तो 100% कामयाब हो सकते हो। सर को मैं काफी लंबे समय से देख रहा हूँ, सर को भी काफी लंबे समय से देख रहा हूँ, ये रेगुलर काफी समय से मैं देख रहा हूँ इनको, रेगुलर 5-10 बंदों की मीटिंग हमेशा रेगुलर होती है, तो एक दिन ऑटोमेटिकली इनकी लंबी बड़ी अच्छी खासी टीम बन गई। और मोटिवेशन से, ट्रेनिंग से, बार बार किसी अच्छी चीज को बता बता के हम क्या कुछ लोगों को कामयाब के लिए तैयार नहीं कर सकते। अरे ओसामा बिन लादेन तो यार मोटिवेशन से मरने और मारने के लिए लोगों को तैयार कर लेता था, आज कभी भारतीय और आतंकवादी बना आतंकवादी तैयार है, यानी कोई बंदा अपने आप को जाके ब्लास्ट कर ले, ये क्या है, मोटिवेशन तो था सर, हम लोगों को कामयाब उन्हीं की कामयाबी के लिए भी तैयार नहीं कर सकते क्या भाई, मैं आपको आपकी कामयाबी के लिए भी तैयार नहीं कर सकता, तो फिर मैं हूं क्या चीज, कुछ हुई नहीं, तो हमें तो लोगों को उनकी कामयाबी के लिए तैयार करना, ऑटोमेटिकली कामयाबी आ जाएगी। तो कोई बड़ा पार्ट नहीं है, काफी बातें यहाँ पे हो गई हैं सर ने वैसे बताया। और एक सबसे मैं क्या चाहता हूँ कि अगर थोड़ा सा इस सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करो, तो होम मीटिंग्स पे फोकस करके थोड़ा इस बिजनेस को अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, होम मीटिंग पे फोकस करके। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, होम मीटिंग्स डायरेक्ट सेलिंग की रीड के लिए बेस
अगर होमिटिंग से जितना भी अपन इग्नोर करेंगे आखिर करनी पड़ेगी होमिटिंग। होमिटिंग कैसे कर सकते हैं मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूं, होमिटिंग किस तरीके से हम होमिटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, होमिटिंग का क्या स्कोप हो सकता है मैं थोड़ा आपको बताता हूं। जैसे मैंने सर को ज्वाइन करवाया, ठीक है, सर को प्रोडक्ट पसंद आ गए, सर ने बोला सर आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, मैंने बहुत सी कंपनी देखी बट आप वाली कंपनी में मेरे को दम लगा और प्रोडक्ट में दम आया, अब मेरे को करना कैसे है, तो फिर मैं क्या बताऊं। एक आम आदमी क्या बताएगा, चलो लीडर तो सेटिस्फाइड कर देगा इसको जो एक साल से छह महीने से काम कर रहा है, लेकिन नया बंदा इनको क्या बताएगा, उनके पास बेसिक नहीं है, क्या नहीं है, बेसिक नहीं है। कोई बंदा 10 दिन से जुड़ा हुआ है तो उसको पता ही नहीं बेसिक क्या है नेटवर्क की, डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक क्या बातें होती हैं, तो कोई भी नया बंदा मिलेगा तो उसको बताया गया बताने के लिए मटेरियल, फिर क्या बोलेगा सर, सर को बोल लगाएगा सर पहुंचेंगे, तो फिर क्या हुआ है इस काम को हमने बेतरतीब ढंग से कर रहे हैं, इसलिए क्या कि हर जगह सर्विस उठ पड़ेगी, समझे नहीं समझे बात को, तो इसलिए इसकी बेसिक क्या है उसको सीखना जरूरी है और बेसिक होम मीटिंग से स्टार्ट होती है। किसी बंदे को ज्वाइन करवाना तो सबसे पहले उसको प्रोडक्ट देना, ठीक है, प्रोडक्ट देने के बाद अगर किसी बंदे का बिजनेस में आने का मूड है वो काम करना चाहता है तो पहला जो काम है वो लिस्ट बनवाना है, क्या है लिस्ट बनवाना है। आप जब तक लिस्ट नहीं बनाएंगे यानी आपका काम करने का तरीका बिल्कुल गलत, क्या है गलत। डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स है लिस्ट बनवाना, मतलब बनवाना, अगर आप नहीं बनवा रहे ना तो आप फॉलो नहीं कर रहे, सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे, सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गलत रिजल्ट आएंगे। लिस्ट बनवाना, लिस्ट बनवाने के बाद लिस्ट दो प्रकार की होती है, एक लोकल लिस्ट और एक टोटल लिस्ट। लोकल का मतलब अपने 5-4 किलोमीटर के दायरे की लिस्ट होती है और टोटल लिस्ट का मतलब ऑल ओवर इंडिया में सर के जो जानकार है वो होती है। तो सबसे पहले सर की होमिटिंग से मेरे को शुरुआत करवानी है तो क्या करेंगे कि जो इनकी लोकल लिस्ट है ना उस पर अपन काम करेंगे। तो सर ने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट अच्छे लगे, अब मैं सर के पास गया तो मैंने सर की लिस्ट बनवाई। लिस्ट क्या होता है, हम बोल देते हैं लिस्ट बना लेना, ऐसे नहीं बनती लिस्ट, बना लेना में नहीं बनेगी, हमें बैठ के किसी की लिस्ट बनवानी है, क्या करना है उसके साथ बैठ के। अब लिस्ट कैसे बनानी है, जैसे लोकल लिस्ट अगर बनानी है तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि सर के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके नाम लिख लेने, किसके नाम लिख लेना है, जहां भी हम रहते हैं जिस मोहल्ले मतलब जहां भी गाँव में उसके अड़ोसी पड़ोसी के घर हम जाते हैं या वो हमारे घर आते हैं। लिस्ट बनाते समय दो चीजों पे लोक लगा देना है, एक तो एक्सपीरियंस पे और एक एजुकेशन पे। कहां पे लोक लगा देना है, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। इससे क्या सिद्ध होता है कि इस बिजनेस को करने के लिए एक्सपीरियंस और एजुकेशन की जरूरत भी नहीं है, समझे कि समझे बात को, एक्सपीरियंस और एजुकेशन पे लोक लगा देना है। क्यों, क्योंकि जब जो ये मैं बोलूंगा कि पड़ोसी का नाम लिखो ये बोलेगा यार वो तो टीचर हो नहीं करेगा, तो क्या काम लगा, काम में क्या ले रहे हैं, एक्सपीरियंस काम में ले रहे हैं, जबकि तो इनको पता ही नहीं टीचर करेगा नहीं करेगा, वो तो बाद का पार्ट है ना। पहला पार्ट क्या अपना लिस्ट बनाना, और उस समय अगर एजुकेशन को काम में लेंगे तो ये बार बार बीच में बोलेंगे वो नहीं करेगा वो करेगा वो नहीं करेगा, तो अपना दिमाग लगाएंगे। तो कहने का मतलब पहले दो लोग लगा देने हैं, अपने को लिस्ट बनवानी है, अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं उनकी लिस्ट बनवा लेनी है। उसके बाद कुछ पार्ट आता है जहां से हम सब्जी लेके आते हैं नजदीक, कोई एक सब्जी की दुकान होती है जहां से लगभग बार बार हमारा आवागमन होता है, एक हमारा मेडिकल स्टोर होता है, एक हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, एक हमारा जनरल स्टोर होता है जहां से मैक्सिमम सामान आता है। अगर दूध दूध दिया है तो दूध दिए का भी नाम हम लिख सकते हैं, अगर अखबार डालने वाला है तो उसका भी नाम लिख सकते हैं। आपको दिमाग नहीं लगा अखबार वाला करेगा नहीं करेगा, ये सब बात के पार्ट है। पहला पार्ट है हमारा लिस्ट बनाना। केबल अगर आ रखी है तो केबल वाले का भी नाम लिख सकते हैं, अगर बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बच्चों का जो ट्यूटर होता है ट्यूशन पढ़वाते हैं हम जहां से उसका भी हम नाम लिख सकते हैं, क्लास टीचर का भी नाम लिख सकते हैं। जिस स्कूल में हमारे बच्चे जा रहे हैं, जिस स्कूल में हमारे बच्चे जा रहे हैं उस स्कूल में उन बच्चों के कुछ फ्रेंड हैं उनके पेरेंट्स का भी नाम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 30-40-50 लोगों की हमें लिस्ट बनानी है। 50 लोगों की लिस्ट बन सकती है लोकल में, इजी है 50 लोगों की लिस्ट बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लिस्ट बन जाए फिर मेरे को इनसे कॉलिंग करवानी है, क्या करवानी है, कॉलिंग करवानी है। अब कॉलिंग मेरे को वहीं पे बैठ के करवानी है, ऐसा नहीं कि बोल दिया कॉल कर लेना इनको बुला लेना, ऐसा नहीं, वहीं पे लिस्ट बनवानी है बैठ के, वहीं पे इनसे मेरे को कॉलिंग करवानी है। अब कॉलिंग पे इनको एक्सपीरियंस नहीं ना बोलना क्या, तो मैं इनको बताऊंगा कि सर आप कॉल करेंगे, जैसे सर ने सर कॉल कर रहे हैं सर के पास, तो हाँ जी सर नमस्कार क्या हाल है, सर का नाम है जैसे रवि, हाँ रवि बोल रहा हूँ, कैसे हो, ठीक है सर बढ़िया, और क्या चल रहा है आजकल, तो सर क्या करेंगे, आजकल क्या हो रखा है कि लोकल जो आते हैं ना हर आदमी 2-4 डायलॉग मार देता है, क्या देता है, बोले यार महंगाई बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, जीएसटी लागू हो गया, काम धंधा खत्म हो गया, ये सब के जुबान पे वर्ड आ गए, सबकी जुबान पे 2-4 वर्ड
फिक्स है, वो तो चिपकाने चिपकाने हर आदमी को, बोले जीएसटी लग गई है, ये मतलब इस तरीके की बातें। अब जो ये सर बोले कि जीएसटी लग गई है, महंगाई बढ़ गई, तो सर को क्या बोल रहे हैं, हाँ यार बिल्कुल सही बोल रहे हो, जीएसटी लग गई है इस और महंगाई बढ़ गई है, उसी को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक बिजनेस की शुरुआत की। क्या की है? मैंने एक बिजनेस की शुरुआत की है और घर से की है, और जैसे आज 4 तारीख है, मान लो जैसे आज 2 तारीख है, तो आज से 3 दिन बाद यानी 5 तारीख को घर पे शाम को 4 बजे 1 घंटे के लिए आना है। किसी को ज्वाइन कराने के लिए कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी, लेकिन घर पे बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। समझे नहीं समझे बात को? किसी को घर पे बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, बिजनेस पे साइन ज्वाइन करवाने के लिए किसी के सामने रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो। सर को बुलाने के लिए कर सकते हो, हाँ सर, तो इस तरीके से 1 कॉल करेंगे, 2 कॉल करेंगे, 3 कॉल करेंगे, 4 कॉल करेंगे, 5 कॉल करेंगे, और जब 6ठी कॉल जाएगी ना, तो पहले से बंदे को पता चल जाता है कि क्या तो वो बोलेगा और क्या मेरे को एडवांस में बोलना है। पांच बंदों ने मेरे को एक्सपीरियंस दे दिया। तो इस तरीके से 30-40 जब कॉल हो जाएंगी, तो इनका आउटपुट क्या निकलेगा कि जब जब जो जो इनकी कॉल बढ़ती जाएंगी ना, तो 100% वो लोग आएंगे। बस इन्होंने क्या किया है, घर से एक बिजनेस की शुरुआत की है और 5 तारीख उद्घाटन है और शाम को 4 बजे आपको एक बार आना है, बस 1 घंटे के लिए आपको आना, बस इतनी तो बात है ना। किसी को बिजनेस ज्वाइन करवाना या मैं कंपनी में जुड़ा हूं, तुमको भी जोड़ूंगा, प्लान समझाऊंगा, स्कीम बताऊंगा, ऐसा तो कुछ किया ही, तो इसलिए ऑटोमेटिकली लोग आएंगे 5 तारीख को। तो 5 तारीख को क्या करना है, होम मीटिंग का मतलब होम मतलब घर, मीटिंग का मतलब प्रोग्राम, घर पे घर जैसा ही प्रोग्राम अपने को ऑर्गेनाइज करना। कुर्सी है तो डाल दी, एक साइड में बेड डला हुआ है तो वहां पे बैठ जाएंगे, स्टूल है तो स्टूल डाल दिया, और वहां पे अपने को प्रोडक्ट के डेमो देने। क्या देना है? डेमो देने हैं। 4 या 5 प्रोडक्ट के आप डेमो डिसाइड कर लो, कौन कौन से के देना है, वो 5 डेमो वहां पे दो। होम मीटिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 मिनट की होनी चाहिए। कितने मिनट की होनी चाहिए? 35। कोई भी आदमी आपका स्पीच सुनना पसंद नहीं करता, जब वो आपका हो जाता, जब वो हमारा हो जाता ना, तो सब कुछ सुनेगा। समझ रहे बात को? लेकिन जब तक हमारा नहीं हुआ, तब तक स्पीच सुनना भाषणबाजी कोई भी पसंद नहीं करता है। तो 30 मिनट में हमारे को मीटिंग खत्म करनी है और 30 मिनट में डेमो देने हमें क्या करना है, डेमो देने हैं। जैसे तुलसी का दे दिया, एलोवेरा का दे दिया, बेरी का दे दिया, 20 वोल्ट का दे दिया, क्रीम का दे दिया, जेल का दे दिया, इस तरीके से 5 डेमो देने हैं। और जो डेमो खत्म हो जाए, तो हमें बताना है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है हमारे पास और इसकी काफी लंबी श्रृंखला हमारे पास, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेटनरी के सारे प्रोडक्ट में, ये तो बताएंगे ना कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। डेमो तो सारे नहीं दिखा सकते, लेकिन एक लाइन में ये बातें हमारे को बतानी है। और ये एक बिजनेस है, इसको कोई भी इंसान कर सकता है बिना इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकता है। गणित खत्म और हमारी मीटिंग क्लोज। उसके बाद क्या करना हमारे को, जो मीटिंग खत्म हो जाए तो सब लोग हमारे घर पे आए, उद्घाटन पे आए हैं, तो उनका मीठा मुंह भी करवाना हमारा फर्ज बनता है। तो हमें क्या करना, तब तक अपनी खीर तैयार करवा ली, बादाम में खीर तैयार करवा लो या कोई भी और फ्लेवर तैयार करवा लो, जो जो ही वो खत्म हो तो उनको सबको थोड़ी थोड़ी खीर दे दे। अब वो जो ही खीर खाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट पे दम तो है, जैसे बता रहे थे, जैसे अपने एलोवेरा का रिमूव किया, इस तरीके से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाता है, इस तरीके से श्री तुलसी बैड कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से गला के बाहर निकालती है, तो उस समय देख रहे थे और जो ही खीर खाई उन्होंने, तो उनको क्या लगा, हाँ यार प्रोडक्ट में दम है। क्यों, खीर खाने लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको जिस प्रोडक्ट पे अच्छा लगता है वही प्रोडक्ट आप उनको सर्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलेंगे हाँ यार प्रोडक्ट में दम है, और वो धीरे धीरे अब जाने लग जाएंगे। क्या करेंगे, मीटिंग खत्म हो गई, वो जाएंगे। अब वो जाएंगे तो कोई आदमी साबुन ले जाएगा, कोई खीर मसाला ले जाएगा, कोई ल्यू के सिरप ले जाएगा, कोई कप के ले जाएगा। मैं नहीं कहता हूँ कि वो 5,000 का सामान ले जाएंगे, 100, 400, 200, 300 का सामान लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, और मैक्सिमम लोग चले जाएंगे, यानी अगर 25 लोग आएंगे तो 22 चले जाएंगे, समझ रहे बात को? और वो 22 आदमी 200-200 का भी सामान लेके जाएंगे तो 4,500 का सामान ले जाएंगे, लेकिन 3 आदमी वहीं पे बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। ये प्रकृति का सिद्धांत, क्यों, उसकी वजह, अगर वो ट्यूटर है, कोई टीचर है या ट्यूटर है, मान लो ट्यूशन पढ़ाता है, तो वो अपने उस बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं है और वो ये जानना चाह रहा है कि तुमने कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। समझे इसने बात को? अगर वो एडवोकेट है तो भी जानना चाह रहा है कि तुमने कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर वो एलआईसी एजेंट है तो भी जानना चाह रहा है कि आपने कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगर वो जनरल स्टोर वाला है तो भी जानना चाह रहा है।
समझे बात को। और वो तीन आदमी को बैठ के पूरी प्लानिंग बतानी है, उनको चलता फिरता नहीं बताना, समझे। मेरे को इनको जोड़ना, और फिर इनके एक एक आदमी से मिलने में कितना टाइम लगता, 2 महीने लग जाते हैं। 50 लोगों से मिलने में कोई बोलता सुबह आना, कोई बोलता शाम को आना, बोला अभी मिलूंगा शाम को मिलूंगा, और सबको बता के आ भी जाता तो 2 महीने में मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सा लीडर काम करे और किसको हकीकत में इस बिजनेस की जरूरत है, ये पता नहीं चल पाता। इसलिए क्या है कि एक लीडर के पीछे मेरे मैक्सिमम 1.5-2 महीने खराब हो गए। होम मीटिंग से क्या आउटपुट निकला कि इनकी जो भी जानकार है उनमें से मैंने 3 उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिनको वास्तविकता में बिजनेस की जरूरत है, और बचे हुए तो कस्टमर हैं। कस्टमर कष्ट में मरने वाले, दुनिया की कोई भी ताकत उनको बिजनेसमैन बना ही नहीं सकती। हम क्या बनाएंगे यार, वो तो कसम खा के आए हैं कि हमें तो कस्टमर है, कस्टमर ही रहना है। हो सकता है उनका पहले से अच्छा बिजनेस चल रहा हो, तुमको समझ में नहीं आई, और आप समझा रहे हो कि पैसा आएगा, बोल रहा है कि 2 लाख तो ऑलरेडी आ रहा है, जरूरत ही नहीं है। समझे ना, समझे बात को। हमें उन लोगों की तलाश है जिनको वास्तविकता में जरूरत है, वही हमारे कंधे से कंधे मिला के चल सकते हैं। वो उनको बोलोगे कि सीएनडी पे मीटिंग है, वो फटाफट आ जाएंगे। उनको बोलोगे कि 500 रुपए टिकट है, फलानी जगह पे मीटिंग है, फटाफट आ जाएंगे। क्यों? कि वास्तविकता में जरूरत है। उनको आप पूरी प्लान बताओ, बिजनेस प्लान क्या, और फिर बोलो कि सर कम से कम 1200 बिजनेस वॉल्यूम का आपको सामान लेना है इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, जिसपे अभी फिलहाल ये ऑफर आ रखा है, और वो ले लेंगे 1200 बिजनेस वॉल्यूम, क्योंकि उनको कुछ करना है, और जिसको कुछ करना है उसके लिए 1200 बिजनेस ज्यादा है कम है, नॉर्मल है। जिसको नहीं करना उसके लिए तो 200 बीवी भी ज्यादा है, और जिसको कुछ करना है ना उसके लिए 1200 बीवी नॉर्मल है। और उन 3 बंदों को 1200 3600 बीवी का मतलब लगभग 8-9 हजार रुपए का सामान, 3-4 का पहले बिक गया था हमारा, लगभग 13-14 हजार रुपए की हमने क्या कर दी, सेल कर दी, और 3 लोगों को सिलेक्ट कर लिया बिजनेस करने के लायक। आफ्टर 3 डेज यानी 3 दिन बाद उन 3 के घर ले पहुंचाना है मेरे को सर को लेके। क्या करना है, 3 दिन बाद जाना है, वही प्रोसेसिंग, जाते ही उनकी बिजनेस करने के लिए तो तैयार है, तभी वो प्रोडक्ट लेके आए थे, वही उनकी लिस्ट बनवानी है, लिस्ट बनवा के कॉलिंग करवानी है, और 3 दिन बाद एक डेट सेट कर देनी है, दूसरे के पास भी और तीसरे के पास भी। अब इस पूरी प्रक्रिया से क्या हुआ, मैंने सर को कैसे ज्वाइन करवाया, किस तरीके से प्रोडक्ट दिए, किस तरीके से इनकी लिस्ट बनवाई, किस तरीके से कॉलिंग करवाई, और किस तरीके से होम मीटिंग की, और आए हुए लोगों को सिलेक्ट किया और उनके घर भी जाके होम मीटिंग सेट कर दी। ये पूरी प्रोसेस सर ने देखी या नहीं देखी, डुप्लीकेबल है या नहीं है, सर समझ गए करना क्या है। मैंने इनका बिजनेस भी स्टार्ट करवा दिया और इनको सिखा भी दिया कि अब करना क्या, और इनका चलवा भी दिया, इनकी टीम में 3 लोगों को भी लेके आ गया, उनके घर भी होम मीटिंग कर दी, अब बचा हुआ काम सर कर लेंगे। तो इस तरीके से आगे होम मीटिंग, इतनी होम मीटिंग हो जाएंगी थर्ड और फोर्थ वीक में तो टाइम ही नहीं मिलेगा आप 2 वीक किस को होम मीटिंग, समझे नहीं समझे बात। तो होम मीटिंग पे अगर आप फोकस कर सकते हो तरीके से, 3 लोगों को बैठा के होम मीटिंग नहीं होती, मतलब आप अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करें, कार्रवाई का मतलब कम से कम 50 लोगों की लिस्ट बनाना, उस पर कॉलिंग करना, और उस पर कम से कम 15-20 लोगों को बुलाना, ये पूरी प्रक्रिया है। आपने 5 लोगों को कॉल किया, 2 आए, वो होम मीटिंग नहीं है, तो फिर फोटो भेज के भेज रहे हो सर होम मीटिंग देते हुए रवि जी, होम मीटिंग देते हुए मोहन जी, ये होम मीटिंग नहीं है। होम मीटिंग का मतलब सही तरीके से होम मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, और होम मीटिंग से रिजल्ट आते हैं। अब जहां जहां होम मीटिंग होगी वहां पे कुछ क्या आए थे, कस्टमर आए थे कि नहीं आए थे, अब कोई कस्टमर कोई ल्यू केयर सिरप ले गया, कोई शुगर वे रस ले गया, अब उनको रिजल्ट मिले, घर पे गए तो क्या मिले, रिजल्ट मिले, रिजल्ट मिले तो दोबारा कहां आएंगे, जहां होम मीटिंग हुई थी वहां आएंगे। यानी जितनी होम मीटिंग हुई उतने आपके छोटे छोटे रिटेल काउंटर भी बन गए। अब जहां पे होम मीटिंग हुई उसकी मजबूरी हो जाएगी 10-15 हजार रुपए का सामान घर पे रखना, क्यों, क्योंकि वो बार बार आगे मांगे जो कस्टमर थे, यार मेरे को तुलसी देना, यार मेरे को बेरी देना, क्योंकि उनको बीवी बीवी से इससे कोई मतलब नहीं है, उनको प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए, प्रोडक्ट में दम लगा भाई। पहले तो उन लोगों ने, वो बिजनेसमैन तो पहले 3 आ गए, लेकिन प्रोडक्ट यूजर तो बाद में आएंगे ना, जब वो यूज करेंगे रिजल्ट आएगा दोबारा मांगिए। तो जितने भी होम मीटिंग हम 1 महीने में कर पाते हैं उतने छोटे छोटे रिटेल काउंटर बन जाएंगे, और वहां पे दोबारा भी आप होम मीटिंग कर सकते हो। तो होम मीटिंग पे फोकस करके इस बिजनेस को आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।